साल के बाद क्रेडाई और बीए एनएम के माध्यम से ये प्रॉपर्टी एग्जीबिशन इस साल में शुरू किया है। हालांकि सरकार बहुत खुद की तारीफ कर रही है कि हमने यूनिफाइड डीसीआर लाया, लेकिन यूनिफाइड डीसीआर से बिल्डर लोगों का कबाड़ा और जो लोग रीडेवलपमेंट में आने वाले उनका कबाड़ा पक्का होने वाला है। एक बिल्डर महोदय मेरे पास में आए, उन्होंने मुझे बताया कि दादा हम लोगों ने पहले जो एग्रीमेंट किया था उतना स्क्वायर फीट हम नहीं दे पाएंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों, तो बोले उसका कारण है ये यूनिफाइड डीसीआर। ज़माने में स्टेयरकेस, लिफ्ट, फ्लावर बेड, बालकनी एक एफएसआई का भाग नहीं होता था। आज ये लोगों ने ये सब डाल दिया उसमें, और उसका ना फायदा बिल्डर को है ना इसका फायदा लोगों को है। ये क्रिटिसाइज करने का मापस्थान नहीं, मैंने विधान भवन में इस मुद्दे को छुआ है मैंने। तो बात ऐसी कि आज के तारीख में इस स्थिति में भी ये जो डेवलपर लोग हैं इन्होंने हिम्मत करके ये एग्जीबिशन को सामने लाया है। अभी देखिए कि हमेशा बोलते कि सूरज हमेशा आसमान में चमकते नहीं रहता, सूरज उगता भी है और ढलता भी है। वो किसी भी धर्म का हो, राज्य का हो, जात का, पंथ का हो, जिनके विचारधारा गंदी रहेगी वो लोगों को प्लेटो नहीं मिलता। जो गंदे विचारधारा के उनको चढ़ाई मिलती है और सीधा उनका उतार शुरू हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि मैं नई मुंबई की जनता का वेल्यूशर हूँ। नई मुंबई की जनता को ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए, नई मुंबई के बिल्डर सुरक्षित रहे और निर्भयता के साथ उनका अपना काम करें। मैं घमंड नहीं खुद करता, हमारे कालखंड में न बिल्डर को पानी किससे देने की ज़रूरत नहीं थी, कोई किसी बिल्डर के काम धंधे में कोई दखल नहीं देता था। आज के तारीख में बिल्डर लोगों का आधा टाइम तो कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, सरकार के दरबार में जाके चक्रे खाने का काम बिल्डर लोग कर रहे हैं। दुख की बात है, बात ऐसे बिल्डर लोग खाली अपना नाम खाली हो, ये बिल्डर ने अच्छा एक कारनामा कर दिखाया, एक शर में अपनी याद रखी। पैसा कोई मायने नहीं रहता, अपनी याद रखने के लिए ये बिल्डर लोग प्रयास कर रहे हैं। इनको मालूम है कि जहाँ से हमारी लाइफ शुरू हुई, बचपना, जवानी, प्रौढ़त्व, बुढ़ापा खत्म होने वाला है। इस दुनिया में कोई आसमान को छूते हुए हमेशा कोई नहीं रहा है, लेकिन ये बिल्डर लोगों का हौसला बढ़ाने से, बिल्डर लोगों के माध्यम से जनता को कोई सहूलती मिले, सहूलत जनता को सुख मिले, ये हमारे आज तक की धारणा रही है। मैं किसको बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन दूसरे का दुख निर्माण करने वाले लोगों की ज़िंदगी में सुख कभी नहीं, चेहरे पे रौनक नहीं रहेगी। लेकिन इसलिए आज मैं इस क्रेडाई और BNM ये लोगों को बधाई दे रहा हूँ कि हिम्मत इनकी, मैं इनके हिम्मत की दाद दे रहा हूँ कि ऐसी स्थिति में भी उन्होंने इस रास्ता निकालने का प्रयास किया है। हम लोग तो नाइक परिवार तो हमेशा बिल्डर लोगों के साथ में है, हिम्मत से बिल्डर लोगों से हमारी दोस्ती है। लोग राजनीति वाले बिल्डर से दोस्ती कबूल नहीं करते, लेने देने में सब कबूल होते हैं, अंदर के अंदर खुले में कोई बिल्डर से दोस्ती, हम लोग इंडस्ट्री वालों से भी हमारी दोस्ती है, बिल्डर लोगों से भी हमारी दोस्ती है। जिन लोगों ने समाज के लिए अच्छा कुछ काम किया है, वो लोगों के आज तक हम साथ में रहे, आगे भी साथ में रहने वाले हैं। और मैं बोलता हूँ फ्यूचर इज आवर्स, भविष्य अपना है। जो दिल से दुनिया का भला चाहते, सपने में भी दूसरे का बुरा चाहते ने, वो लोगों का भविष्य है। और जो क्रेडाई के और BNMM के जो साथी लोग हैं, वो लोगों को मैं बधाई दे रहा हूँ। और कभी भी कोई अड़चन, हम तो अपोजिशन में हैं, लेकिन हमारी ताकत नैतिकता की कम नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी आपके लिए वो पूरी ताकत लगाएंगे, और आप लोगों को उस दुख दर्द से बाहर निकालने का प्रयास हमारा हमेशा रहेगा। बघा बंधु, सुरुवातीला एक FSI, दीड FSI, आता 2.5-3 FSI भाषा आहेत, परंतु बिल्डर लोकांना त्याचा फायदा काय नाही, रहिवाशांना त्याचा फायदा काय नाही, सिडकोच्या सगळ्या जाती सिडकोच्या झोलीमध्ये, आणि त्याचासुद्धा नीट वापर होत नाही। या शहरामध्ये हे युनिफाईड DCR मुळे शहरातली खुलेपणा संपला, कंजेशन। मी विधानभवनात बोललो की आज जर
एक गाडी असेल तर पुढे तीन गाड्या येतील, तीन गाड्या चालतील कुठे, रस्ताच नसणार आहे. माझे एक मित्र आहेत मोठे बिल्डर, त्यांच्याशी मी बोललो होतो, ते बोले दादा आपका कहना सही है, ये तबाह करने वाला युनिफाइड DCR है. और मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन, और अभी ये यूनिफाइड DCR का कितने लोगों ने, 1% लोगों ने फ़ायदा नहीं लिया. कितना पोसाने वाले, ये जो फार्मूला है पोसाने वाला नहीं, और नहीं होना चाहिए. हम तो ये बोल रहे हैं कि भाई यूनिफाइड DCR लाएंगे, उसमें जो फिर से स्टेयरकेस जो कपड़ का था, बाद में लिफ्ट का था, बाद में तुम्हारा गैलरी का था, फुल जो तुम्हारा फ्लावर बेड का था, ये सब 0 FSI से दे देंगे तो बिल्डर को भी थोड़ा पोसा आएगा, और वो इसमें से निकालेंगे तो लोगों को देने के लिए भी लोगों के बिल्डर के पास कुछ रहेगा. मैंने बोला ना, एक बिल्डर मेरे पास में आया, उसने बोला कि दादा हमारा जो 1.5 FSI का जो एग्रीमेंट था उसमें हम लोगों ने जब कबूल किया था, अभी यूनिफाइड DCR हुआ है लेकिन हम उतना नहीं दे पाते हैं, इसलिए एग्रीमेंट कैंसिल करने की नौबत आई है. भूपेन भाई ये फैक्ट है, ओके. और दूसरी बात है, हम किसको गाली नहीं देते, किसको बद्दुआ नहीं देते, लेकिन सुधार लो. अभी भी सर का कबाला करने का जो इरादा चला है वो ऐसे ऑटोमेटिकली होने वाले, क्योंकि ये 2-4-5 बिल्डर लोग भी अभी ये प्लॉट लेते हैं ना अपना कारोबार चलाने के लिए, पूरा ऑफिस खाली ना हो, इसलिए महंगा महंगा प्लॉट ले रहे हैं लोग. काहे के लिए, अपना कारोबार चालू है दिखाने के लिए. सॉरी सर, आपके व्यूज है सर. हाँ नहीं, ये मेरे व्यू है. तो बात ऐसी कि ये अफोर्डेबल नहीं है, पूरे बिल्डर लोगों का कबाला हो जाएगा ये पॉलिसी से, और जैसा मौका मिलेगा ये पॉलिसी हम सुधार दे देंगे. इसके तारीख में यूनिफाइड DCR का एप्लीकेशन न हो जाए तो महाराष्ट्र के हर शहर का आदमी रिटायर्ड IPS IAS ऑफिसर इधर रहने को कबूल करता है. कंपनी के CEO लोग नई मुंबई पसंद, क्योंकि रास्ते खुले, खुली हवा. अभी ये जो यूनिफाइड DCR रहेगा तो इतना कंजेशन बढ़ेगा ना, उसकी कोई मतलब ये शहर रहने लायक नहीं रहेगा. ये मैं बोल रहा हूँ, जिस शहर की 90 से हम लोगों ने हिफाजत की है, आज करीबन 32 साल हो गए, 32 साल से इस शहर को हम लोगों ने संभाला हुआ है. आज हमें लग रहा है कि लहरी राजा प्रजा अंदली अदांतरी दरबार डैशदार अजब तुझे सरकार. अभी हमें किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, ओके. मैंने देखो अभी ये लोग किस ढंग से लड़ रहे हैं ना, ये भगवान ने इनको ताकत दी है और ये भगवान की ताकत पे ये लोग लड़ रहे हैं, वरना जनरल आदमी का इस सिचुएशन में जिंदा रहना बिल्डर के तौर पे मुश्किल है. ये शर का कबाला करने का काम अभी आप लोगों को, मैं पत्रकार भाई बहनों से अपील कर रहा हूँ कि आप यूनिफाइड DCR का पहले का सिचुएशन और यूनिफाइड DCR आने के बाद का सिचुएशन उसका स्टडी करो, और ये फार्मूला से शहर को क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है ये आप ही मुझे बोल रहे हो. मेरे विधान भवन ने बोला है ना, पूरा कबाला कर दिया तुम लोगों ने राज्य का. ये कोई छुपे हुए बात नहीं, मैंने ओपनली बोला है सामने, और अभी आगे चल के मौका मिलेगा वो वापस इससे दोहराऊंगा उसको. नहीं देखिए, बात ऐसी वो विनोद त्रिवेदी जी का बड़ापन है, गणेश नाइक के खाली माध्यम है. आई एम द लीडर ऑफ द पीपल, जिनका व्यू पॉजिटिव है. ये शहर शांति का हो, ये शहर में धर्म जात पंथ वर्ण के आगे जाके इंसानियत के भावना से रहने वाले लोगों का शहर है, और इसका हमें अभिमान है. आज तक ये शहर चमक रहा है और भी चमके हमारी इच्छा है, लेकिन अभी ऐसे ढंग के नींद में रह के सिग्नेचर करने वाले राज्यकर्ता रहेंगे, अधिकारी लोग जो रहेंगे उस प्रस्ताव को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे. क्रिटिसाइज मतलब अच्छा है उसको अप्रिशिएट करो, लेकिन गलत है उसको गलत बोलो. जैसे मैं बोल रहा हूँ यूनिफाइड DCR ये जो फार्मूला है, इट इज़ नॉट इन बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, इट इज़ नॉट इन बेनिफिट ऑफ द बिल्डर. ना शहर के हित का ये बात है, ये मैं ओपन बोल रहा हूँ. ये मैं बोल रहा हूँ ना, इसको क्रिटिसाइज करने की ताकत किसमें होगी ना, तो मेरे सामने 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 बैठा हो, मैं तुम्हारा फार्मूला कैसा गलत है ये बोल रहा हूँ. मैंने तो एक दिन भी सिडको MD महोदय से बोला था, अपने अभिजीत बांगर साहब से बोला था, ये जो जिसने फार्मूला बनाया उसका मैं सत्कार करना चाहता हूँ. ये सम्मान्य बुद्धिमान इंसान कौन है उसका एक बार मुझे परिचय होने दो. अरे अपने अपने 10 दिन का दुनिया नहीं है, दुनिया बहुत लंबी चली. तुम लोग ये पाप करोगे ना, आने वाले जनरेशन को भोगना पड़ेगा. तुम्हारा पैकेज लेके घर जाओगे, रिटायर्ड हो जाओगे, किधर पैसा टूर ट्रैवलिंग करोगे. लेकिन इस जनता के लिए तुम लोग झर दे के आगे चल के स्लो पॉइजनिंग का काम चालू रहेगा.
और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, भगवान को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो इनकी नौटंकी चल रही है, नौटंकी रोकने की ताकत हमें जल्दी दो, ताकि ये सड़क में बिल्डर, जनता और होने वाले सड़क का कबाड़ा रुक जाए। मैं अभी अभी ये जो रहेगी ना स्थिति, ये लोग नहीं पसंद करेंगे, लोग नई मुंबई में आना पसंद नहीं करेंगे आगे चल के ये स्थिति रही तो इसलिए मैं बिल्डर लोगों को ताकत देने का हमारे ओर से हम काम करने वाले हैं। ओके, लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।